हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी होंगी। और अभी जो है हस्बैंड जी जा चुके हैं और ये देखिए मेरे किचन का क्या हाल हो रहा है। दूध लिया है, दूध गर्म हो रहा है मेरा, और देखो किचन का क्या हाल हो रखा है। और आज मेरा फास्ट भी है, तो चलिए मैं जल्दी से ये किचन सेट कर लेती हूँ। ये देखिए सारे बर्तन धोने को पड़े हैं, कितने सारे। और किचन में देखो कैसे सारा फैला पड़ा है। किचन क्लीन करनी, बाकी सारे काम हो गया। मैं क्लीनिंग का सारा काम बाकी कर लिया मैंने जल्दी जल्दी से, बस ये बचा है, तो चलो जल्दी से ये भी कर लेते हैं। सुबह जल्दबाजी में ना बहुत सारा सामान फैल जाता है, क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइम होता है जो जल्दी का होता है। इधर अक्षु मेरी उठ जाती है, वो रोना शुरू कर देते पारा उसको खुद में संभालो क्या करो, अगर हस्बैंड तो अपना रेडी होने में बिजी रहते हैं। और आज जो मैंने सुबह से अभी तक चाय भी नहीं पी है, क्योंकि ये जो फास्ट है ना इसमें चाय पानी कुछ नहीं पीते हैं। आप लोग भी करते होंगे, कोई ना कोई तो करता ही होगा जिसको पता होगा इसके वर्थ के बारे में। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, आप लोगों के यहाँ कैसा होता है पता नहीं मुझे, आप भी कमेंट करके बताइएगा। तो जब कथा सुनते हैं ना उसके बाद चाय पानी और वो प्रसाद खा सकते हैं, उसके बाद फिर रात को सीधा चांद देखने के बाद। और अभी जो मैं तवा है जो वो साफ़ करने लगी हूँ, तवा को ईंट से साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाता है, उसे झूठे बर्तन में मैं नहीं रखती हूँ इसलिए। और अभी जो है ये देखो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। मैंने देखो येलो कलर की आज साड़ी पहनी है, साड़ी का कह रहे मम्मा येलो वाली पहना, तो मैं आज येलो पहनी। और ये जो ब्लाउज मैंने पहना है, ये ब्लाउज भी मैंने खुद ही स्टिच करा है। कैसा लग रहा है इसका डिज़ाइन कमेंट करके बताइएगा। और आजकल जो मैं स्टिचिंग ज़्यादा कर नहीं पा रही क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा ना, पहले तो साड़ी का थी खाली और मैं कर लेती थी इसलिए। और अब अक्षु भी है तो छोटे बच्चों में आपको पता है टाइम नहीं मिल पाता, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। और जल्दी से मैं बाल भी ड्राई कर लेती हूँ। और अक्षु भी सोए ही है आज, तो चलो अच्छे से सो गई है, मेरा अच्छे से काम हो गया है। तो फ्रेंड्स देखो ना, बीच बीच में उठती रहती है तो काम हो नहीं पाता है। अभी मैं बनाऊंगी प्रसाद। देखो ये तिल मंगाया था, तिल का प्रसाद बनता है आज, तो ये तिल बनाऊंगी अभी मैं। और ये देखो सारिका मेरी हेल्प करने के लिए आ गई किचन में। ये कह रही है मेरी बच्चों किचन में, और अक्षु भी सो रही है, जल्दी जल्दी से बना लूँ। चलो पीछे बेटा, पहले थोड़े से मैं तिल निकाल दूंगी, क्योंकि वो जब मैं कथा सुनते हैं ना तो हाथ में लेते हैं, तो थोड़े से मैं तिल थोड़े से निकाल दिए इसमें। और बाकी के ना इसको मैं फ्राई करूँ। बेटा बीच में से बैठो, साइड में बैठो, दूसरा ले लो, जाओ आप ये वाला ले लो। हाँ हटो, बीच में ऐड करो ना। ये देखिए मैंने कढ़ाई जो है गैस पे चढ़ा दी है, गर्म होने के लिए रख दी है। और अभी मैं तिल थोड़ा साफ़ करने लग गई थी, देखिए तिल में कुछ है तो नहीं। और आज ना सुबह से ही सारिका मेरे पीछे पीछे लगी हुई है, जब भी मैं काम कर रही हूँ मेरे पीछे पीछे घूम रही है। मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने तिल को कढ़ाई में डाल दिया है और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। हल्का सा फ्राई करना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ब्राउन हल्का सा करना है। तो मैं फ्राई कर लेती हूँ आपको, फिर मैं बताती हूँ आगे मैं क्या करने वाली हूँ और कैसे कैसे प्रसाद बनाऊँगी। और आप लोग बने रहिएगा मेरे पूरे ब्लॉग में, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तेल जो है फ्राई हो चुके हैं, देखिए तेल फ्राई हो चुके हैं। और अब मैं इनको ठंडा करने के लिए प्लेट में डाल देती हूँ। ये मैंने प्लेट में डाल दिए हैं, ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। हट गरम है बेटा, हट गरम है, गरम है, मेरे साथ ही लगी हुई है। ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद में वैसे तो ना ईमानदस्ते में फूलते हैं, लेकिन मेरे पास ईमानदस्ता जो है बहुत छोटा है, उसमें बहुत देर लगी, और जब तक मेरी अक्षू उठ जाएगी रोने लग जाएगी। तो मैं इसमें जो है इसको ना हल्का सा मिक्सी में ही पीस लूँगी, ज़्यादा एकदम नहीं पीसूँगी, हल्का सा पीस लूँगी। और
तो अभी जो है मेरे तेल ना ठंडे हो गए थे और मैंने ना मिक्सी में उनको पीस लिया है। एक मिनट के लिए भी मिक्सी नहीं चलाई होगी मैंने, मैं चलाई और बंद किया, मतलब थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है क्योंकि एकदम बारीक नहीं किया, एकदम बारीक कर दूँ ना फिर अच्छा नहीं लगता खाने में। और ये उसके साथ ही मैं बूरा जो है मैं इसमें मिला लेती हूँ। मीठा मैं कम ही मिलाऊँगी क्योंकि ना मुझे तो कम ही मीठा पसंद है, हस्बैंड भी थोड़ा कम ही मीठा खाते हैं। मेरी सासू माँ है ना वो ज़्यादा मीठा खाते हैं, मेरे ससुर जी भी बहुत मीठा खाते हैं तो वो बहुत मीठा डालते हैं और मेरे को तो कम ही पसंद है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से ये मिला लिया है और उसके बाद जो है ये कटोरे में थोड़ा प्रसाद निकाल रही हूँ। ये ना कथा सुनने से पहले निकालना होता है, हमारे ना इसको बाना बोलते हैं और सासू माँ के लिए निकालना होता है और इसमें ना पैसे भी रखने होते हैं, तो मैंने ये उनके लिए निकाल दिया और इसमें मैंने रख दिए पैसे। और उसके बाद अब मैं सुनूंगी कथा। मैं कथा ना घर में ही सुन लूँगी क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ बाहर, एक तो ठंड भी बहुत है, ऊपर से ना इन दोनों को लेके जाना पड़ेगा, पीछे से कोई है नहीं जो इनके पास बैठ जाए, मैं चली जाऊँ और सासू माँ का घर भी थोड़ा सा दूर है तो मैं मुश्किल हो जाएगा जाना, इसलिए मैं ना घर में ही सुन रही हूँ और मैं फ़ोन में चला के कथा सुन लूँगी। और जितना मुझे पता है, जितना बताया मम्मी ने, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ, ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी एक तो बीच बीच में अक्षु भी करे तो बहुत लेट भी हो गया आज मेरा ये कथा सुनने में। तो ये देखिए अभी सारिका मेरे साथ बैठी, अक्षु को फिर से मैंने सुला दिया, उठ गई थी थोड़ा सा खेली है और उसके बाद मैंने फिर से उसको सुला दिया और अभी जो मैं कथा सुनने बैठ गई हूँ। सारिका बोल रही मेरे को भी टीका लगा दो, मैं नहा लगा रही हूँ, उसको बड़ा शौक है टीका लगाने का। तो देखिए फ्रेंड्स अभी ना मैंने कथा सुन ली थी और वो तिल को जो हाथ में लेके, मैंने बताया ना तिल को हाथ में लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा तो मैंने मतलब जो लोटे में जल लिया उसमें डाल देते हैं और बाकी के ना रात बांध के रख लेते हैं, रात को जो चांद को जल देते हैं ना उसमें डालते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ, कथा सुन ली थी मैंने, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। सर में थोड़ा सा दर्द सा हो रहा है ना, सुबह से चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिए इसलिए, वैसे फास्ट का पता नहीं चलता है, आराम से रख लेती हूँ मैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ना अभी फीड कराना पड़ता है अक्षय छोटी है तो, और इस वजह से ना थोड़ा सा जल्दी भूख लग जाती है क्योंकि सुबह भी उठती हूँ ना मैं चाय पीती हूँ और चाय के साथ ना कुछ ले लेती हूँ बिस्किट वगैरह, क्योंकि मेरे को ना सुबह उठते ही भूख लग जाती है आजकल, इसको रात में भी फीड करना आना पड़ता है मुझे इसको, तो इसी वजह से। और मैं बनाऊंगी चाय, तब पीऊँगी तसल्ली से चाय और थोड़ा प्रसाद खाऊंगी और इस टाइम पर मैं पानी भी पी सकती हूँ, उसके बाद नहीं पीना, उसके बाद फिर रात को चांद देखकर ही व्रत खोलना है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोगों के यहाँ ये फास्ट होता है या नहीं होता है, होता है तो कैसे होता है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे जो किया है उसमें क्या क्या कमियाँ रह गई हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि मेरे को जितना आता था मैंने तो उतना सब कुछ किया है। तो आज की जो वीडियो है मैं एंड करती हूँ, कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और जो आगे का व्लॉग जो है वो आपको कल देखने को मिलेगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।